हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? आई होप तमारा जे पेपर छे ते सारा जई रह्या हशे। विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ वीडियो में धोरण 11 हिंदी विषय नू संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन जोईशुं। वार्षिक परीक्षा 2022 नू आज लेवानुं छे, ते पेपर छे हिंदी नू, वार्षिक परीक्षा एप्रिल 2022 नू। तो विद्यार्थी मित्रों, जो चैनल पर तमे नवा हो तो आ चैनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी दो, जेथी तमने तमाम आईएमपी वीडियोस अने नोटिफिकेशन मळे। विद्यार्थी मित्रों, अपना आईएमपी वीडियो माथी पण घणु बधु आ पेपर में पूछाणु छे, अने जेने आईएमपी वीडियोस कर्या हशे तेना माटे आ पेपर साव ईजी हशे। तो चालो आपणे जोई लईए तमारे केटला मार्क्स आवे छे ते पण तमे कॉमेंट करजो। तो चालो सॉल्यूशन शुरू करिए। विभाग ए आपेलो छे, पहलू छे विकल्पों छ पूछ्या छे 6 मार्क्सना। शिवजी के धनुष को किसने तोड़ा था? तो श्रीराम आवशे। कवि किसने पलने की बात करता है? तो पीड़ा आवशे। त्रीजो प्रश्न छे, बिना पानी के सब कैसा होता है? तो सुना। बाज लोग फावड़ा कैसे चलाते हैं? तो झुंड में। कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया? तो कर। कवि के विचार से ब्रह्मांड को कौन चलाता है? तो एक ईश्वर। हवे आगळ आपेला छे 1 मार्क्सना टूंका प्रश्नों 4। तो सातमू छे, सारी बाजिया हार कर बाज लोग कैसे रहते हैं? तो मदमस्त होकर रहते हैं। रहीम के अनुसार बड़ा कौन है? तो जो दिनों की मदद करे वो बड़ा है। हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए साहस और बहादुरी से जीने के लिए तैयार रहना चाहिए। दसमू छे, कवि ने दुनिया को रोशनी कैसे दी है? तो अपना घर जलाकर। तो आ हता 1 मार्क्सना। आगळ आपेला छे 2 मार्क्सना प्रश्नों 4 आपेला छे, गमे ते 3 लखवाना छे। तो 11मू छे, दुनिया खुशहाल कब हो जाएगी? तो एनो जवाब आवशे कि देश में हर जगह जाति व्यवस्था का बोलबाला है, इस निर्दयता में लोग पीस रहे हैं। जाति व्यवस्था की निर्दयता समाप्त हो जाए तो दुनिया खुशहाल हो जाएगी। हवे आगळनो प्रश्न आपेलो छे कि कवयित्री किन्हे बाज लोग कहती है? तो एनो जवाब पण आपणे अहीं आपेलो छे, कवित्री उन गरीब, लाचार और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूरों को बाज लोग कहती है, जो अपने श्रम से दुष्कर कार्य कर दिखाते हैं पर समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं मिलता। आगळ आपेलो छे 13मो के कवि अरमानों के बारे में क्या कहते हैं? तेनो जवाब आवशे कि मनुष्य के कई तरह के अरमान होते हैं। वह जीवन में बहुत कुछ करना और पाना चाहता है, पर हम सबको साथ लेकर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे तो हमारे सामने सामूहिक हित की बात होगी। इस महान कार्य की पूर्ति के लिए हमें व्यक्तिगत अरमानों को सार्वजनिक अरमानों में विलीन कर देना होगा, अर्थात निजी अरमान को त्याग देना होगा। हवे अहीं 14मो प्रश्न आवेलो छे कि रहीम किन्हे बड़ा आदमी कहते हैं? तो रहीम, कवि रहीम गरीबों की भलाई करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग गरीबों की भलाई का काम करते हैं वे ही बड़े आदमी है। आगळ अहीं आपेला छे हवे मोटा प्रश्नों, गमे ते 2 लखवाना छे 3 माथी। तो 15मू छे, कवि कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों कहते हैं? तो आ प्रश्न पण साव ईजी हतो, अने आपणे आईएमपी में आ प्रश्नों आपेला छे तेमांथी घणा प्रश्नों पूछाणा छे। आ प्रश्न 13मा पाठनो छे। 16मो छे, डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते? ते पण साव सहेलो छे, ते 19मा पाठनो छे। अने सुख शांति के लिए कवि क्या करना चाहता है? 17मो छे। विद्यार्थी मित्रों, आईएमपी जे छे तेमांथी घणुं पूछाय छे, तेथी आईएमपी करी लेजो हजी पण। अने विद्यार्थी मित्रों, हजी सुधी चैनल सब्सक्राइब न करी होय तो करी दो। विभाग बी आपेलो छे, तेमां पहला विकल्पो छे कि 18मू छे, सेल्फ के ऊपर रखा पत्थर का टुकड़ा कैसा है? उबड़खाबड़। मुन्नी तोते से क्या गिराने को कहती है? तो आम आवशे। आगळमो प्रश्न आपेलो छे 20मो, पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुसाया? तो बकरियों का। लेखक ने बाजरा को क्या समझा था? तो आमा ए पण आवे अने बी पण आवे, आदमी अने पेड़ बंने आवी शके। आगळ छे, कल्पना शक्ति किस संस्कार का परिणाम है? प्राचीन अपमान और तिरस्कार होने से मन किससे भर जाता है? वितृष्णा। आगळ टूंका छे कि विज्ञापन किसे कहते हैं? तो वी यानी कि विशेष, और ज्ञापन यानी कि सूचना। विशेष सूचना को विज्ञापन कहते हैं। 25मू छे, नींद में लेखक के मुंह पर क्या गिरा? तो मैना पक्षी का चूजा। आगळ छे, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो कवि जयदेव की रचना। पौधा किसका प्रतीक है? पौधा राष्ट्र एकता का प्रतीक है। कवि जन नई नई रचनाओं के जरिए क्या दिखलाते हैं? तो आज ये प्रश्न छे पाठ होलनो छे अने ते पण साव सहेलो छे। आगळ छे कि पौधा कब निकल आया? तो चौधरी नाम के लड़के ने बताया कि जब वो गाछ खेल खेल रहे थे तब पौधा अपने आप जमीन से
निकल आया। आगळ छे स्कूल वालोने जगतुकी माँ को क्यों निकाल दिया, तो आ पण साव सहेलो प्रश्न छे के जगतुकी माँ लड़कियों को बुलाकर स्कूल ले जाती थी, स्कूल वालों ने इसके लिए मोटर रख ली, इसलिए उन्होंने जगतुकी माँ को निकाल दिया। आगळ 31मो छे मैना का झुंड क्यों आर्तनाद कर रहा था, तो मैना पक्षी का चूजा लेखक के सिर पर गिरा, उन्होंने उसे पकड़कर फेंक दिया और बिल्ली उस चूजे को पकड़कर ले गई। ये देखकर मैनों का झुंड आर्तनाद करने लगा। आगळ हवे आपणे जोई लईए मोटा प्रश्न छे 32मो छे मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर होते हैं, तो पाठ 20नो आ प्रश्न छे लेखको देहात से क्यों निराशा हुई, आ पाठ 18नो छे अने दिलीप के मन में एक शोभ का अंत न रहा क्यों, आ पाठ 12मो छे। विद्यार्थी मित्रों सरल पेपर हतुं अने आईएमपी माथी घणुं पूछाणुं छे, विभाग सी नुं हवे संपूर्ण सोल्यूशन जोई लईए। तो पहला समानार्थी छे 35मो तिरस्कार तो अपमान आवे अने 36मो साजिश तो षड्यंत्र आवशे, 37मो छे विलोम शब्द नुकसान तो फायदो अने आदर तो अनादर। आगळ प्रत्यय शोधवानो छे तो मित्रतामां ता आवशे अने प्रभावितमां ईत आवशे। आगळ उपसर्ग लखवानो छे तो अज्ञानमां अ आवे अने निर्दयतामां निस आवशे। मुहावरी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बात पलटना तो बात बदलना, नाच न जाने आंगण टेढ़ा अहीं कहेवत छे, तो तेनो जवाब तमे एम लखी शको कि जेने कंई काम करवुं नथी तेना माटे ते साधन कंई कामना नथी, अथवा तो जेने नाचवुं नथी तेना माटे आंगनुं कोई जरूरी नथी। आगळ आपेलुं छे संधि जोड़वानी हती, सह वत्ता आसन एटले सहासन अने अनु वत्ता उचित एटले अनुचित। आगळ छे संधि जुदी करवानी हती, अहीं नीलांबर एटले नील वत्ता अंबर अने मताधिकार एटले मत वत्ता अधिकार आवशे। आगळ समासनो प्रकार लखवानो हतो तो नर नारी એટલે કે નર ઓર નારી દ્વંદ આવશે અને પંચવટી પાંચ વટુકા સમૂહ એટલે દ્વિગુ આવશે। અહીં તમે જોઈ શકો છો ભાવવાચક સંજ્ઞા આપેલી હતી નિર્ભય અને આઝાદ અને નીચે હતું કર્તુવાચક સંજ્ઞા, તો જે આ છે તે તમારી બુકમાં આપેલું નથી પરંતુ અહીં પૂછાયેલું છે। આગળ આપેલું છે 55મું કે જીસે કિસી પ્રકાર કા ભય ન હો, તો શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ હે તો ત્યાં આવશે નિર્ભય। હવે આગળ આપેલો છે વિભાગ ડી, તો તેમાં લખવાનો હતો પત્ર, તો તમારે ઉપર જમણી બાજુ ઉપર લખવાનું હતું 27 નંદનવન સોસાયટી અને નીચે કરવાનું હતું પાલનપુર અને એની નીચે લખવાની હતી તારીખ અને પછી તમારે પત્ર શરૂ કરવાનો હતો। અહીં ફકરામાંથી પ્રશ્નો શોધીને લખવાના છે। 57મો છે કે પ્રવૃત્તિ કે બારે મેં લેખક ક્યાં સમજતે હે, તો અહીં જે 57 ફકરામાં કરેલ છે તે જવાબ આવશે કે મનુષ્ય કો અપના કાર્ય મન લગાકર ધ્યાન લગાકર जी जान से करना चाहिए, जीवन को सरल और अर्थपूर्ण उपयोगी बनाना है तो समाज को समझ लो कि प्रवृत्ति ही जीवन है, तो आ रीते तमारे जवाब लखवानो छे। आगळ छे 58मो कि निवृत्ति के बाद बारे में लेखक से क्या विचार है, तो निवृत्ति मृत्यु के समान है। निवृत्ति व्यक्ति को क्या कहते हुए सुने हैं, तो निवृत्त व्यक्ति उसे सुनते आए हैं कि मुझे काम तो करना ही पड़ेगा, जीवन निकम्मा कब बन जाता है, तो जे અહીં 59મો છે કે અગર કામ મેં મન નહીં લગતા તો જીવન નિકમ્મા બન જતા હૈ અને ગદ્યખંડને શીર્ષક આપવાનું હતું તો મનુષ્ય કી જરૂરત પ્રવૃત્તિ। અહીં આગળ વિભાગ ઈ આપેલો છે અને તેમાં વૃક્ષી જીવન પ્રદૂષણ એક વિકટ સમસ્યા ઓર માતૃપ્રેમ ત્રણ આપેલા છે નિબંધ। વિદ્યાર્થી મિત્રો 10 માર્ક્સ હતા એટલે તમારે 250 શબ્દોમાં અહીં લખવાનું કહ્યું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય, જો આ ગમ્યો હોય તો વિડીયો તો આને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો, આ વિડીયોને લાઇક કરો તેમજ તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, તમારે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા તે નીચે કોમેન્ટ કરો અને બાકીના વિડીયોઝ માટે અને આઈએમપી વિડીયોઝ આપણી ચેનલ ઉપર પડ્યા છે તો એકવાર ચેનલ ઉપર જઈ તે જોઈ લો।